के अनुसार तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें तीन लोगों को अभी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एक संग भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मान सिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके आर्म से क्रॉस की है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए हुए थे, मीडिया के समस्त कर्मी इन लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है, तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। और मैं अभी जितना आपको डाइवर्ज कर सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ, फर्दर चीज़ें होंगी। नाम बता दीजिए। अभी मैं उनसे लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है, अभी उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जा रहा है तो एट दिस स्टेज इट इज़ टू प्रीमैच्योर टू से एनीथिंग। उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन के बाद में मैं आपको और चीज़ें डाइवर्ज कर दूँगा। अभी मैं डिवाइज नहीं कर सकता, मैं जैसे ही इंटरोगेशन में तथ्य प्राप्त होंगे तब फिर मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। पुलिस कमिश्नर अमित शर्मा थे जिन्होंने अतीक और अशरफ की मौत की पुष्टि कर दी है, साफ तौर पर कहा है कि अतीक और अशरफ मारे जा चुके हैं। तो पुलिस कमिश्नर अमित शर्मा ने इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है, एक पत्रकार घायल है, साथ ही साथ मान सिंह नाम का एक पुलिस कांस्टेबल है उसको भी बुलेट इंजरी हुई है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं और जो फॉरेंसिक के लोग हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सैंपलिंग कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने अतीक और अशरफ के मारे जाने की पुष्टि कर दी है, बता दिया है कि अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है, साथ ही साथ एक पुलिसकर्मी को भी बुलेट इंजरी हुई है यानी उसे भी गोली लगी हुई है, कुछ छर्रे लगे हुए हैं, एक पत्रकार वो भी घायल हैं। और ये मौके वारदात की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ADCP क्राइम आपको सतीश चंद्र नजर आ रहे होंगे जो कि ये देखिए जो हमलावर थे वो हमलावर के हाथ में यही कैमरा था, वो देखिए सामने की तरफ जो कैमरा है वही कैमरा था, माइक आईडी थी वो सीख सामने लेकर के जो कैमरा ले जाया गया है, ये बाइक थी और इसके साथ साथ तीन पिस्टल यहां पर पड़ी हुई थी। देखिए तीनों पिस्टल अभी भी यहां पर पड़ी हुई हैं, हमारे बाई तरफ आप देख सकते हैं कि एक पिस्टल पड़ी हुई है, सामने की तरफ दो पिस्टल पड़ी हुई है। तो ये जो है इसके बाद ये मौके वारदात की तस्वीर है, यहां पर इसी जगह पर अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था, उसके बाद उन पर हमला हुआ है, हमले में एक पत्रकार को भी चोट आई है, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। और इस जगह रमित शर्मा जो कि पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है कि अतीक और अशरफ दोनों की मौत हो चुकी है, जो घटनास्थल है घटनास्थल से सैंपलिंग की जा रही है इस वक्त लाइव वीडियो में। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।